It's okay.
रहा हूँ इस टूर्नामेंट की मुख्य विजेता टीम के कप्तान यशवंत भक्त गोरखपुर उत्तर प्रदेश। पहले रनर्स ट्रॉफी ये है उत्तर प्रदेश की टीम जो कि विजेता रही। और इसके बाद मेजबान रेड कार्पेट हाई स्कूल पटना की टीम जो विजेता रही है उनके कप्तान और खिलाड़ियों से निवेदन है कि आकर के विजेता ट्रॉफी ले शब्दों से आपसे बात करूं, बट बहुत अच्छा लग रहा है। कम से कम 10-15 साल पहले यहाँ आया था और इसी जगह पर इसी तरह का एक फंक्शन था और बहुत अच्छा लगा कि अभी तक सब लोगों को में उतना ही प्यार, उतनी ही मोहब्बत या उतना ही जोश है जो इतने साल पहले देखा था। कभी कभी हम सोचते हैं या कभी कभी आप जैसे लोगों से जब हम मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि आपके पास खेल के प्रति इतना प्यार, कल खेल के पीछे माँ बाप भाई बहन कोच सब आके बोलते हैं कि खेला कर, और फिर भी यहाँ से अगर प्लेयर ऊपर नहीं आता तो वो एक दुख है। मैं तो आपसे यही कहूँगा कि जिसको भी जो कुछ बनना है वो दिल दिमाग लगन होनी चाहिए, डेडिकेशन होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। बहुत लोग आप ये कहते हैं कि भी बहुत पॉलिटिक्स है, मुझे चांस नहीं मिला। मैं इन बातों को नहीं मानता क्योंकि मैं कहता हूँ वीरेंद्र सहवाग कहाँ से आए, एक छोटे से गांव से आए, नज्जमगढ़ से। हरभजन कहाँ से आया, एक छोटी सी जगह से आया। अगर वो छोटी सी जगह से आ सकते हैं आप तो बहुत बड़े शहर में रहते हैं। तो इसलिए जो भी प्लेयर मेरे छोटे भाई इधर बैठे हुए हैं, बच्चों हैं, मैं इनसे यही कहूँगा कि अच्छा काम करते हुए ये नहीं देखना दूसरा क्या कर रहा है, आप क्या कर सकते हो। मैं ये देखना चाहता हूँ कि इन टूर्नामेंट में आप रन बनाओ, आप विकेट लो और आगे चांस के दरवाजे खुले सबके लिए हैं। लेकिन जैसे जैसे क्रिकेट की तब्दीली आ रही है वैसे वैसे बातें ज्यादा हो रही हैं, खेल कम हो रहा है। हमारे समय में खेल ज्यादा होती थी, बातें ज्यादा कम होती थी, लेकिन समय बदलता गया, टीवी आ गया। हमारे समय तो टीवी भी नहीं था, आजकल तो टीवी ऐसे मिल रहे हैं। हमारे टाइम तो वर्ल्ड कप हो रहा था 83 में, एक एक घर में 20-20 लोग बैठ के, 50-50 लोग बैठ के देखा करते थे। तो इन बच्चों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि आजकल स्पोर्ट्स तक कितना ज्यादा प्यार हो रहा है इस देश में। एक समय था सब अपने माँ बाप अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते थे। शत्रु भाई की भी ऐसे सोचते थे, डॉक्टर बनाना चाहते थे। ये और मैं तो कुछ और ही बन गए। पर मैं ये कहूंगा कि आज के माँ बाप ये कहते हैं नहीं, जाके सचिन तेंदुलकर बनो,
राहुल द्रविड़ बनो, ये बहुत बड़ी, एक पूरे देश के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है कि एक स्पोर्ट्स माइंडेड होना बहुत जरूरी है। अच्छी सेहत होगी, अच्छा सोचोगे, अच्छा काम होगा। समय की पाबंदी के कारण मैं आपके पास ज्यादा समय नहीं काटूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि बहुत खुशी हुई। 3 घंटे की फ्लाइट लेके आए और बड़ी लंबी फ्लाइट करके भेज दी, सोच रहे थे जल्दी पहुंचेंगे, पर समय ज्यादा हवा में लग गया। जब भी आए तो बहुत अच्छा लगा, और जब भी आप लोग बुलाते हैं 2-4 हिंदी के शब्द सीख के जाता हूं, क्योंकि आपकी हिंदी जब भी मैं आजकल वो प्रोग्राम करता हूं तो फिर दिल से इतना जोर लगाता हूं हिंदी बोलने के लिए कि समझ में आता कहां से शब्द उठा। जैसे जैसे ये लोग सब बोलते हैं तो मैं आजकल बड़ा गौर से सुनता हूं कि शायद मुझे भी जरूरत पड़े, क्योंकि इंसान को हर समय कुछ ना कुछ सीखना है। और मैं ये सोचता हूँ कि मैं आज 45 साल का हूँ चाहे 70 साल का हो जाऊंगा, सीखता रहूंगा आप सबसे। धन्यवाद, धन्यवाद कपिल देव जी, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई आपने और प्रेरित किया, अभी तक आपके साथ रहेंगे। इसके कार्यक्रम जो है वो इससे बात करवा दीजिए, और इनका नंबर हमेशा इस कार्यक्रम में एकदम अंतिम समय में आता है बोलने का, इसलिए आपके सब्र का बांध टूटना नहीं चाहिए, आप ध्यान रखें। और करेंगे अब हम लोग के परिवार कल्याण का भी ख्याल इनको है, हम लोग के स्वास्थ्य का भी ये ख्याल रख रहे हैं, देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं तो काफी जिम्मेदार। अब इतनी दूर से आए इनको सुनने के लिए, कुछ और तो बातें सीखेंगे, आप शाम तक निकाले जा रहे हैं, हमें जाने से पहले इनको सुनना है, क्योंकि इनसे ही तो हम सीखते हैं सब कुछ। खड़े होकर इनके डायलॉग हम बचपन में सुना करते थे, और जब भी क्रिकेट टीम जाया करती थी तो बस में बैठ जाओ। जब हमारी क्रिकेट टीम जाया करती है बस में, जब भी समय होता है सिर्फ क्रिकेट प्लेयरों को रिलैक्स करने के लिए और कुछ नहीं होता, वो कहते हैं पिक्चर देखो। और मैं ये भी कह सकता हूँ हर क्रिकेटर ड्रेसिंग रूम से निकलता है, कोई अमिताभ बच्चन बन के निकलता है, कोई शत्रु भाई निकलता है, कोई देवानंद बन के निकलता है, सबको शौक होता है। और इन्हीं के बदौलत हमने बहुत एंटरटेनमेंट लिया है अपने आप में, क्योंकि इनको देखते ही हम बड़े हुए। यहाँ पर नहीं बता सकते, जरूर पेश करता हूँ यहाँ पे।